अभी हम लोग लक्ष्मीश्वर सिंह के संग्रहालय में अंदर गए हुए थे, वहाँ पे हमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन मिली, जो कि एक वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने बताया कि आप इंटरनेट से भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने परमिशन दी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की। तो फिर हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, हम लोगों ने काफ़ी कुछ कैप्चर भी किया, जिसमें कुछ चीज़ें थी, सिंहासन था राजाओं का, और फिर कुछ जो हथियार थे पौराणिक हथियार वो भी देखने को मिले। ये सब तो कहने की बातें थी, चलिए अपनी आंखों से म्यूजियम की खूबसूरती को देखते हैं। वैसे एक बात सोचने वाली है कि जिस समय में तकनीक इतना विकसित नहीं था, उस समय में मूर्तियों और वस्तुओं को इस प्रकार से आकार देना अपने आप में कलाकारी और कई सारे रहस्यों को समेटता है। वैसे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं ना, तो उससे हमें गौरव की अनुभूति होती है। मुझे ये तो पता था कि मिथिला का जो प्राचीन नाम है वो विदेह है, विदेह, पर अभी मुझे दो और नाम पता चला, जिनमें से एक है त्रिभुक्ति और दूसरा तिरहुत। ये महाराजा धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह का सिंहासन है, जिस पर किसी समय में वो बैठा करते थे। ये हाथी दांत से बनी राजा की कुर्सी है। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो दरभंगा के दीघी पोखर के किनारे से प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध की ऐसी प्रतिमा आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। मिथिला जो है वो अब 4-5 जिलों में बंट चुका है, जो कि जैसे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, और फिर कुछ जो इसके हिस्से हैं वो नेपाल में भी है। हो सकता है मैं कुछ ज़िले मिस कर रहा हूँ, बट काफ़ी सारे हिस्से हो गए हैं। ये हाथी दांत से बनी कलाकृति है, जो इस म्यूजियम में 4 चांद लगा देते हैं।
तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए कंटेंट के साथ।